breakfast, viewers. Welcome to Vidavi's Kitchen. आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। आज हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं। इस नवरात्रि के फलाहार की सीरीज में आज हम आपको बताने जा रहे हैं सिंघाड़े के आटे की पूरी। आप इसे बनाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाना मत भूलिए और अपना बहुमूल्य फीडबैक जरूर दीजिए। ये सिंघाड़े का आटा है जो हमने पूरी के लिए लिया है। देखिए, इसका मैं आपको अंदाज भी बता देती हूँ। कई बार हमको ये कन्फ्यूजन होता है कि हम कितना लें, तो कोई भी आपके यहाँ जितने मेंबर्स हैं, तो क्योंकि हम एक चीज़ तो बनाते नहीं है, तीन चार चीज़ें बनाते हैं, तो याद रखिए कि आप ऐसे लीजिए कि एक आदमी एक और ये दो पूरी के हिसाब से। अब आप प्लीज डरिए मत कि ये क्या है, क्योंकि अभी अभी इसमें हमें अभी आलू भी मिलाना है। इसमें हम आलू मैश करके डालेंगे, आप हाथ से मैश कर सकते हैं। तो इसमें हम ये एक आलू हो गया हमारा, तो ये हमने इसमें डाल दिए हैं ऑलमोस्ट दो छोटे छोटे। अब आप इसको ज़रा मिला के देखिए, है ना, क्योंकि आप घबराइए मत कि कम बनेंगी, पूरी वैसे भी थोड़ी हैवी होती है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, देखिए एक बड़ा चम्मच हम डालेंगे इसमें, हमने भुना हुआ है ऑलरेडी, और ये है मूंगफली के दाने भुने हुए, एक बड़ा चम्मच, आधा और। ये मिर्ची थोड़ी तीखी वाली है तो इसको हम एक टीस्पून ही डालेंगे, और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच भुना हुआ जीरा। फिर हम इसमें मिलाएंगे करीब आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे, गुगर रस। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें शक्कर डालना चाहते हैं या नहीं, आधा चम्मच शक्कर। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हरी धनिया। देखिए, हरी धनिया से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा। इसको आप मिला लीजिए, देखिए पहले मिला लीजिएगा उसके बाद पानी ऐड कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आलू की वजह से हमें बहुत कम पानी डालना पड़ता है। हाथ में लीजिए पानी, हमेशा पानी हाथ में लेना चाहिए ताकि आपको ये रहे कि कितना आपको डालना है। हमारा आटा गूंथ के तैयार है। आटे को ऐसे हम लंबा कर लेंगे ताकि हमें जितनी छोटी बड़ी चाहिए हम उतना उतना बड़ा काट लें। बनाते जाएंगे। देखिए, हमारी जो नॉर्मल पूरी होती है और ये पूरी में बहुत डिफरेंस है, इसलिए हमने ये पॉलिथिन बैग बिछाया है इस पर, और इसको हमने पूरी बनाते हैं उसका आटा कड़क होता है। अब ये क्या है, क्योंकि ये सिंघाड़े का आटा है तो ये बहुत नरम है, प्लस इसमें आलू भी है, तो अब इसकी हम ऐसी गोली बनाएंगे। और ये पॉलिथिन बैग हमने लिया है, इस पर हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे, देखिए इस तरह से, और इसको हम लोई को यहाँ पे रखेंगे इसमें, और इसको ऐसे थोड़ा सा दबा देंगे। फिर इसको दूसरा पॉलिथिन बैग का इसको ऐसे करेंगे, और फिर अब हम अपने लोहे से, अब देखिए इसको हल्के हल्के हाथ से कीजिएगा क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है, और आप पूरी को नहीं हिलाना है, आपको अपने पॉलिथिन बैग को हिलाना है। जैसे आपको लगे गोल हो गई है और बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी है, आप स्टॉप करते हैं, आप इसको खोल लीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपका कुछ शेप थोड़ा गड़बड़ हो गया है तो उसको आप ठीक कर लीजिए। ये आप याद रखिए, एक ही एक डालिए, देखिए इस तरह से हो गई है, और उसको निकाल लेंगे और दूसरी डालेंगे।